हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे नटेला केक, वो भी चॉकलेट गनाश के साथ। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। नटेला केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप दूध, 1/4 कप नटेला, 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस या फिर वेनिला एसेंस और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऑप्शन है ये। 200 ml फ्रेश क्रीम, 200 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड, ये 1 कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड है, थोड़ा सा अगर, 1 टीस्पून बटर, 50 ग्राम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड, ये 1/4 कप व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है। केक को हम ओवन में नहीं भगोने में बना रहे हैं, भगोने को गैस पे रख दीजिए और लो फ्लेम कर दीजिए। उसमें 1 कप नमक डाल देंगे, सब तरफ से फैला लेंगे और इस पे स्टैंड रख देंगे। हमारा केक बीच में आना चाहिए, इस टाइप का सेटअप लगा लीजिए और ढक दीजिए। जब तक गर्म हो रहा है भगोना, तब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार कर लेंगे, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कोकोआ पाउडर। इन सभी चीज़ों को मिला के छान लेंगे। कोकोआ पाउडर ऑप्शन में है, आप चाहे तो ना डालें, ये एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए है। अब एक बड़े बर्तन में दूध, अनफ्लेवर ऑयल, चॉकलेट एसेंस या फिर वेनिला एसेंस, नटेला, विनेगर और पिसी हुई चीनी, इन सभी चीजों को एक साथ डाल के मिला लेंगे। ये अच्छे से मिल जानी चाहिए। और केक टिन पे ग्रीस करके बटर पेपर लगा देंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर में मिलाते जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में मिलाना है, इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। स्पैचुला की सहायता से इसे कट एंड फोल्ड मेथड से भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें, नहीं तो केक स्पंजी नहीं बनता है। बैटर इस टाइप की कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। केक टिन में पलट लेंगे। अब केक टिन को थोड़ा सा टैप कर देंगे, एयर बबल्स इसमें से निकाल देंगे इस टाइप से। अब तक हमारा जो भगोना था वो गर्म हो चुका होगा, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें केक टिन रख देंगे। केक टिन बिल्कुल परफेक्ट हमारा बीच में आ रहा है और भगोने के ऊपर एक बड़ा ढक्कन रख देंगे। अगर ढक्कन इस पे फिट नहीं आ रहा है तो कोई वजन रख देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इसे 40 मिनट तक होने देंगे। चाकू की या टूथपिक की सहायता से चेक कर लेंगे, अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो 5 मिनट के लिए और रख देंगे। 40 मिनट में ये केक तैयार हो गया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे अनमोल्ड करेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, इस टाइप से हमें केक को अनमोल्ड करना है। परफेक्ट नटेला स्पंजी केक तैयार हुआ है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और चॉकलेट गिनाश की तैयारी करेंगे। एक भगोने में फ्रेश क्रीम डालेंगे, इसे मिला लेंगे
इसमें थोड़ा सा अगर 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 को मैंने थोड़े से गर्म पानी में भिगा के रखा था वो इसमें मिला दिया है। ये ऑप्शन है, आप चाहे तो अगर अगर ना डालें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून बटर भी डाल दिया है। बटर डालने के कारण चॉकलेट गिनाश एक शाइनिंग देता है। और लो फ्लेम पे इसे गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारी फ्रेश क्रीम गर्म होगी हम गैस को बंद कर देंगे और फिर इसमें डार्क चॉकलेट कंपाउंड मिला देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। चॉकलेट इसमें मिल जानी चाहिए और ठंडा होने के बाद हम केक पे इसे डालेंगे। गर्म गर्म नहीं डालना है। केक लगभग 6 से 7 घंटे फ्रिज में था, बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हम इसके 2 पार्ट करेंगे। चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे थ्रेड की सहायता से कर रही हूँ। चाकू से मैंने निशान बना लिया है, वहीं पे एक थ्रेड को फंसा दिया है और फिर दोनों साइड से इसे खींच लिया है। बिल्कुल परफेक्ट केक कट होता है, देखिए। अब हम केक की आइसिंग करेंगे। गिनाश थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। मैंने जो ऊपर वाला केक का पार्ट था वो नीचे डाला है क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन नहीं रहता है। चॉकलेट गिनाश को इस पे फैला दीजिए, दूसरी लेयर भी रख दीजिए और अच्छे से सेट कर लीजिए सब साइड से इसे। एक के ऊपर एक ही आना चाहिए। और जो नीचे वाला भाग था वो बिल्कुल प्लेन रहता है इसलिए उसे ऊपर रखा है। देखिए परफेक्ट दिखाई दे रहा है ये। और फिर से इस पे चॉकलेट गिनाश डाल देंगे और स्पैचुला की सहायता से या फिर चाकू की सहायता से इसे प्लेन कर लेंगे। साइड से भी लगा लीजिए। इसे हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि गिनाश थोड़ा गाढ़ा होने लगता है जैसे जैसे ठंडा होता है। अगर थोड़ा गाढ़ा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा फिर से गर्म कर लीजिए और फिर से डाल सकते हैं, पर गर्म गर्म बिल्कुल मत डालिए। और जो साइड्स खराब हो गए हैं उन्हें किचन टॉवल की सहायता से क्लीन कर लीजिए, दिखने में अच्छा दिखता है। और फिर से थोड़ी सी चॉकलेट गनाश मैंने लाइटली गर्म कर ली है और केक को हम प्लेन कर रहे हैं। इस टाइप से डाल लीजिए, बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, या फिर नाइफ की सहायता से इसे प्लेन कर लीजिए। और प्लेन कर लेने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ये सेट हो जाएगा, उसके बाद इसे डेकोरेट करेंगे। तब तक हम जो व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड है उससे कुछ चॉकलेट्स तैयार कर लेंगे। ये मैंने कुकीज कटर लिए हैं, कुछ ढक्कन लिए हैं, व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में ये 1 मिनट के अंदर मेल्ट हो जाता है, या फिर डबल बॉयलर में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। बटर पेपर पे इसे फैला दीजिए और कुकी कटर से निशान बना लीजिए। फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिए और इन चॉकलेट्स को इसमें से निकाल लीजिए। ये बहुत आसान तरीका है चॉकलेट केक को या फिर नटेला केक को डेकोरेट करने के लिए। स्टार नोजल लीजिए और जो गनाश हमारी बची हुई थी उसे 3 से 4 घंटे मैंने फ्रिज में रख दिया था, बिल्कुल अच्छी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसी की सहायता से नटेला केक को डेकोरेट करेंगे। आप जैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। स्टार नोजल से मैं यहाँ पे कर रही हूँ और गनाश अगर गाढ़ा हो गया है तो बहुत इजीली आइसिंग हो जाती है। और जो चॉकलेट्स तैयार किए थे उन्हें साइड में लगा लीजिए, आप जिस भी शेप में लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। और ऊपर के साइड से मैंने उसी स्टार नोजल से वेव्स की जैसा डाल दिया है इस पे। और भी कोई डिजाइन डाल सकते हैं आप। और मैंने कुछ राउंड वाले चॉकलेट्स भी तैयार किए थे, उसे भी हम इस पे लगा देंगे। या फिर आप जिस टाइप से भी डेकोरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल्स और चॉकलेट स्टिक भी यूज की है, इसे आप जितना चाहे डेकोरेट कर सकते हैं अपने मनपसंद तरीके से। लीजिए तैयार है
नटेला केक विद चॉकलेट गिनाश। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।